हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल में आप लोगों का। मैं नीतू कुमावत। कैसे हो आप सब भाई? आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ, कैसे प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाली, बताने वाली हूँ कि प्रोडक्ट कौन सा है, कौन से स्किन पर लगाया जाता है, किन बातों का ध्यान में रखना है और क्या स्किन क्रीम से किस टाइप से ये अपनी कौन सी स्किन पर वर्क करते हैं, कौन सी स्किन पर नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपनी स्किन पर, तो वो सब जानकारी लेकर हमें यूज करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेकर ही यूज करना चाहिए। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो गाइस, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट कौन से स्किन पे लगाया जाता है जानते। तो अब हमारे अक्सर देखो, बढ़ती उम्र के साथ हमारे स्किन पे एक्ने पिंपल्स आने स्टार्ट होता है, तो एक्ने पिंपल्स पे भी ये वर्क करता है। फिर बाद में उसके मार्क्स बन जाते हैं, कोई दाग धब्बा बन जाता है या फिर मेलाजमा, हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, इन सबकी शिकायतें हो जाती है, डार्क सर्कल आना। तो इन सबकी शिकायतें में भी ये जो प्रोडक्ट है उसका यूज किया जाता है। तो ये प्रोडक्ट उस स्किन को क्लियर करके, ये स्किन वाइटनिंग क्रीम है, तो ये उसको क्लीन करके अपनी स्किन को ब्राइटनिंग करता है, गोरा करता है ये प्रोडक्ट। तो ये अपनी स्किन को वाइटनिंग करने में, फेयर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है ये जानें कि इसकी प्राइस क्या है, स्किन क्रीम्स क्या है, ये फुल जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो मेरा आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट लगाए हो, आपको कैसा क्या रिजल्ट मिला है वो आप कॉमेंट में बताइएगा, ताकि मेरी यूट्यूब की फैमिली आपके कॉमेंट को पढ़ के उनको थोड़ी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। तो इस प्रोडक्ट का नाम है ग्लैम वाइट स्किन वाइटनिंग क्रीम है। इस टाइप की पैकेजिंग मिलेगी, इस टाइप का एक प्रोडक्ट मिलेगा और हर मेडिकल स्टोर में बड़ी आसान से मिल जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा ही दी जाती है। जब अपनी स्किन पे एक्ने पिंपल्स आते हैं, अपनी स्किन पे कोई दाग धब्बा बन जाता है, छाइयाँ हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा ही ये प्रोडक्ट दिया जाता है। तो आप एक बार डॉक्टर से पूछ के उनकी सलाह लेकर फिर बाद में यूज करिएगा, ऐसे ही ना खरीदे। तो ये प्रोडक्ट कितनी प्राइस की मिलेगी वो जान लेते हैं। तो ये लगभग आपको मिलेगी 315 रुपीज की, आपको मेडिकल स्टोर में बड़ी आसान से मिल जाएगा, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो बात करते हैं इस प्रोडक्ट को जब हम स्किन पे लगाते हैं, तो मैंने बताया आपको पिगमेंटेशन, एक्ने पिंपल्स, जो मेलाजमा है, डार्क स्पॉट हो रखा है, तो वहाँ पे इस प्रोडक्ट का आप यूज कर सकते हो। तो क्या सच में ये उस स्किन को ये क्लियर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो डार्क स्पॉट को हटाएगा कि नहीं हटाएगा वो जानते हैं, क्योंकि हमें इंग्रेडिएंट्स पता होना चाहिए। इसकी जो सामग्री डाल के ये प्रोडक्ट बना हुआ है वो हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या सामग्री डाला हुआ है। अगर इसमें केमिकल वाले प्रोडक्ट्स डाले हुए होते, केमिकल वाले इंग्रेडिएंट्स डाले हुए होते, सामग्री डाली हुई होती, वो अपनी स्किन के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो डॉक्टर जब बताते हैं कि इतने टाइम तक ही यूज करना, उतने टाइम तक ही यूज किया जाता है ये प्रोडक्ट, ज़्यादा लंबे समय तक यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें है लिकोरिस है, इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, इसमें कॉजिक एसिड है, इसमें तो आप सभी को पता है, और नियासिनामाइड है इसमें, और है इसमें ग्रिसलिन है, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, इसमें मतलब इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, और नॉन स्टेरॉयड ऑयल है इसमें, कि स्टेरॉयड कुछ भी नहीं डाला हुआ है, कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं जो अपनी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है। अपनी स्किन को मतलब खतरनाक केमिकल वाले प्रोडक्ट्स इसमें डाले हुए नहीं, ये सामग्री जो डाली हुई है वो नेचुरल डाली हुई है, क्योंकि विटामिन सी और आपको पता है ग्रिसलिन, कोजिक एसिड कितना अपनी स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये जो सामग्री होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, अपनी स्किन को सेफ रखते हैं, वो किसी तरीके का नुकसान नहीं करता अपनी स्किन को। तो आप इसको लगा सकते हो। तो अब जानते हैं इस प्रोडक्ट को कब व कैसे लगाए। तो इस प्रोडक्ट को आपको डे में भी लगा सकते हो, आप नाइट में भी लगा सकते हो, 2 टाइम्स आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन डे में आपको ध्यान रखना है, धूल मिट्टी में जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, तो आप सनस्क्रीन के साथ ये प्रोडक्ट लगा के आप बाहर घूम सकते हो और अपने फेस को कवर करके ही घूमिएगा, आप ऐसे ना घूमिएगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है नाइट में लगाना। देखो, कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं नाइट में लगाया जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है अपनी स्किन पर, और अपनी स्किन को वाइटनिंग करने में, ब्राइटनिंग करने में अच्छा वर्क भी करता है। तो आप इस प्रोडक्ट को ओनली नाइट में ही लगाइएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करके, अपनी स्किन को फेस वॉश करने के बाद ही यूज करना है, अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ आपकी स्किन पर प्रॉब्लम है वहीं वहीं लगाना है। अगर आप पूरे फेस पे अप्लाई करना चाहते हो तो पूरे फेस पे अप्लाई ना करें। जहां जहां आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट है, मेलाजमा, जो भी प्रॉब्लम है बताई वो है, तो वहीं वहीं पे आपको लगाना है। और इस प्रोडक्ट को आप 1 मंथ तक लगाओगे तभी ही जाके रिजल्ट देगा, और क्योंकि धीरे धीरे वर्क करेगा अपनी स्किन पे तभी ही जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अगर आपको खुजली चल रही है, चिंग हो रही है प्रोडक्ट लगाने के बाद, रेडे से दाने हो रहे, तो इस प्रोडक्ट को लगाना बंद कर दीजिएगा, तुरंत वॉश कर दीजिएगा। और इसके बस यही है, आप बस इसको लंबे समय तक यूज ना करें, लंबे समय तक यूज नहीं करना है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को, उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।